ओके, स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर दैट इज पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो आज हम स्ट्रक्चर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी, नाउ वी हैव लर्न्ड एरेज। एरेज क्या होता है हमें पता है। एरेज में हम सिमिलर डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं, यानी व्हेनेवर वी क्रिएट एन एरे इट इज़ ओनली ऑफ वन डेटा टाइप। इधर इट इज़ एन इंटीजर एरे, इट इज़ फ्लोटिंग एरे, और इट इज़ एन कैरेक्टर एरे। सो स्ट्रक्चर इज बेसिकली यूज व्हेन यू वॉन्ट टू स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक एंटिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, बट जो भी एट्रीब्यूट्स हम स्टोर करेंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप्स अलग अलग होंगे। सो ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करने के लिए बेसिकली वी यूज स्ट्रक्चर्स दैट गिव्स अस वेराइड इन्फॉर्मेशन। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज बेसिकली यूज टू डिफाइन एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये रहा उसका सिंटैक्स, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप मेंबर वन, मेंबर टू। सो दिस डेटा टाइप मेंबर वन, मेंबर टू इज नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हाट वी आर स्टोरिंग अबाउट दैट एंटिटी। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। सो यहाँ पे एम्प्लॉय इज द एंटिटी। सो एम्प्लॉय के रिलेटेड हमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, दैट इज आई डी, सैलरी एंड नेम। सो आई डी हमने इंटीजर रखा है, सैलरी हमने फ्लोट रखा है, और नेम ऑब्वियसली कैरेक्टर में जाएगा। सो एज़ यू कैन सी, अगर यही चीज़ एरे में करना होता तो एरे में हमने तीन एरे बनाने पड़ते, वन फॉर आई डी विच विल बी ऑफ इंटीजर टाइप, सेकेंड विल बी फ्लोट, एंड थर्ड विल बी नेम। सो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, स्ट्रक्चर बनाया है तो एक एम्प्लॉय के रिलेटेड तीनों इन्फॉर्मेशन हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्ट्रक्चर। सो सी, दिस इज द वे वी डिक्लेयर, वन ऑफ द वेज आई शुड से। यहाँ पे अदर वे इज हियर बिकॉज वेन एवर यू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करते हैं, या ये जिसे मेंबर्स हम बोलते हैं, ये जो भी मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यू नीड अ वेरिएबल। जैसा अभी मैंने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये जो एम्प्लॉय एंटिटी है उसका वेरिएबल्स होना ज़रूरी है, ई1 एंड ई2। ई1 ई2 मीन्स यू आर स्टोरिंग information for first employee and you are storing information for second employee. So this number of variable depends on user ke use kitne employees ya kitne variables banane hain. So one of the way to declare is first you create a structure aur fir main mein jaake aap variables banao, or else another technique is you create a structure aur bracket khatam hone ke baad immediately variables declare karo. It's one and the same thing, but this way is most commonly used. सो हियर इट इज़, एज आई सेड, हमने आई डी, सैलरी और नेम ये स्टोर किया है एक एम्प्लॉय के रिलेटेड। सो एक एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन के लिए टोटल 18 बाइट्स रिजर्व होगा, बिकॉज यू आर स्टोरिंग आई डी, सो इट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, हेंस इट इज़ इंटीजर, इट विल टेक 4 बाइट्स, यानी 4 लोकेशन इन मेमोरी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा लोकेशन 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1004 तक 4 बाइट्स इंटीजर के लिए होगा। Then we have salary as float data type. Again, like integer, even float is of 4 bytes. So 1004 से 1008 तक it will be storing float data, that is salary. And next will be for the character data type. अभी character data type जो है वो 1 byte store करता है 1 letter के लिए. So since we have created it of size 10, so it will be storing 10 locations. So total of 18 bytes will be stored for the structure employee. लेट्स सी अ सिंपल प्रोग्राम ऑन द स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो लास्ट एग्जांपल ही लेंगे। स्ट्रिंग इसके लिए लिया है क्योंकि इसमें हम एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो उस फंक्शन यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग डॉट एच का यहाँ पे होना ज़रूरी है। सो मेन से पहले हमेशा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, इंट आई डी, फ्लोट सैलरी, कैरेक्टर नेम ऑफ 20। सो ओवर हियर we are creating two variables e1 and e2, which means we are storing information for two employees. So main चालू हो गया, तो इसमें कोई भी वेरिएबल declarations वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये सीधा स्ट्रक्चर है। सो वेरिएबल यूज करके मेम्बर एक्सेस करेंगे। सो फॉर फर्स्ट एम्प्लॉय वी आर यूजिंग e1.id, इसको वैल्यू असाइन किया, e1.sal, उसको वैल्यू असाइन किया, एंड नेम असाइन करने के लिए विल यूज स्ट्रिंग कॉपी e1.name, कॉमा जो भी नाम आपको डालना है। सो इट विल स्टोर एज कैरेक्टर ऑफ एरेज। सो ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए। सिमिलरली विल स्टोर फॉर सेकेंड एम्प्लॉय, दैट इज़ आई डी, सैलरी एंड नेम। उसके बाद दोनों एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट करने के लिए भी
पहले जैसे हम सिर्फ वेरिएबल यूज कर रहे थे, बट बिकॉज नाउ इट इज स्ट्रक्चर एंड यू कैन एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आईडी के लिए e1.id, यानी जिस तरीके से हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं वही तरीके से हम यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे. e1.id, e1.salary, e1.name एंड सेकेंड एम्प्लॉय के लिए e2.id, e2.salary एंड e2.name. लास्ट में गेट ch एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम अबाउट स्ट्रक्चर विच गिव्स यू एन आइडिया दैट वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स का इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस रिलेटेड टू वन एंटिटी.